मूवी की शुरुआत एक ओल्ड लेडी से होती है जो एक बड़े से होटल में एक बड़े से रूम में नर्वस और डरी हुई बैठी थी। उनका नाम नैन्सी। वो कभी स्कूल टीचर हुआ करती थी। उनके पति भी थे जिनकी मौत 2 साल पहले ही हुई है और अब वो बहुत ही ज्यादा लोनली है और वो अपनी इस तन्हाई को दूर करना चाहती है। अब डोर नॉक होता है, वो डोर को खोलती है तो एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम लियो ग्रांडे। दरअसल लियो एक प्रोफेशनल है, वो पैसे लेके औरतों को खुश करता है और वो यहाँ आया है नैन्सी को खुश करने। पर नैन्सी बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में ये दूसरा मर्द है जिसके साथ वो इंटीमेट होगा। उसे अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार तो है पर शारीरिक नीड भी कोई चीज होती है और ये चाहिए होता है। तो लियो उसे शांत करने के लिए उसे किस करता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ वाइन भी पीता है। पर नैन्सी फटाफट वो काम करना चाहती थी पर उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था एक गैर मर्द के साथ वो कैसे ऐसा करे। ऊपर से लियो नैन्सी से बहुत ही ज्यादा छोटा है और नैन्सी इतनी ओल्ड एज है, वो बहुत ही शर्मिंदगी फील कर रही थी। तो लियो उसे शांत करता है और कहता है उसकी जो लास्ट क्लाइंट थी वो 82 ईयर की थी। अब यहाँ नैन्सी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाती है। नैन्सी बताती है कभी भी उसे ऑर्गेज्म नहीं हुआ, उसके पति के साथ उसने वो खास पल तो बिताए पर कभी भी खुशी नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए थी। यह नैन्सी लियो को एक स्टोरी सुनाती है। जब वो 20 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गई थी और वहाँ उसे एक लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। अब आधी रात को नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी और वो बाहर टहल रही थी, तभी वो लड़का भी बाहर सिगरेट पी रहा था। वो लड़का नैन्सी को देखता है और उसे बहुत देर तक निहारता है। फिर वो लड़का नैन्सी के पास आता है और उसके निक को टच करने लगता है, फिर उसे किस करता है और उसके शरीर के अंगों को टच करने लगता है जिससे नैन्सी को बहुत ही अलग और अच्छा फील हो रही थी। तभी कोई नामुराद उनके ऊपर कार का लाइट जला देता है और हॉर्न बजाने लगता है, इससे वो लड़का वहां से भाग जाता है और फिर अगले दिन उनका टूर खत्म होता है और वो लौट आते हैं। पर नैन्सी अभी भी उस लड़के को भुला नहीं पाती और उस दिन को भी। और ये स्टोरी बताते हुए नैन्सी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और ये मौका देख के लियो उसे किस कर लेता है। अब जब माहौल बन ही गया था फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नैन्सी लियो को फिर से बुक करती है और दोनों फिर से वही होटल में टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट टाइम नैन्सी को मजा तो आई थी पर उसे ऑर्गज्म नहीं हुआ था, इसलिए नैन्सी अब एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसमें बहुत सारे पोज थे क्योंकि नैन्सी ये जानती थी लियो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शायद वो फिर कभी उसे अफोर्ड ही ना कर पाए, इसी कारण से वो सब कुछ करना चाहती थी जो उसके मन में था। पर वो कुछ भी शुरू करते इससे पहले नैन्सी फिर से अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है और वो फिर से नर्वस और डरी हुई हो जाती है। यह लियो उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए म्यूजिक प्ले करता है और दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद लियो उसे मसाज देता है। अब नैन्सी लियो से कहती है उसके शर्ट को उतारने के लिए। लियो शर्ट उतारता है और लियो के शरीर को देख नैन्सी के शरीर में बहुत कुछ फील होने लगती है। उसे वो चीज फील होने लगती है जो 20 साल पहले उसे फील हुई थी उस लड़के के साथ। नैन्सी लियो को टच करने लगती है, हर जगह उसे छूने लगती है और नैन्सी को ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसके बाद लियो नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है, अब मैं तुम्हारा शर्ट उतारना चाहता हूँ। नैन्सी राजी थी पर नैन्सी को ये अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो जानती थी वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके शरीर में अब वो सारी चीजें नहीं है। पर लियो उसे आईने के सामने ले जाता है और उसके शर्ट को उतारता है और उसे कहता है तुम्हें पता नहीं तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, तुम अब भी उतने सुंदर हो जैसे तुम पहले थे, बस तुम अपनी सुंदरता को देखना बंद कर दिए हो, खुद से प्यार करना
सीखो। अब लियो नैन्सी को बताता है उसने बहुत सारी औरतों के साथ वक्त बिताया है और उनमें से बहुत को उसने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि वो भी बहुत शाय थे और उन्हें भी बहुत कुछ पता नहीं था इंटीमेसी के बारे में। यहाँ नैन्सी लियो को गलत समझ बैठती है। वो समझती है लियो इनडायरेक्टली उसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नैन्सी उसे बार बार बुक करे। तो नैन्सी बहुत ही गुस्से से कहती है और फोर्स करती है, मैंने तुम्हें यहाँ इस कारण से नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें जिसके लिए बुक किया तुम मेरे साथ वो करो। यह लियो को बहुत ही हर्ट होता है और वो नैन्सी के साथ जो फ्रैंक बिहेव कर रहा था वो करना बंद कर देता है और बस अपने काम से काम रखता है। और नैन्सी के साथ वो सब स्टार्ट करने वाला था, पर नैन्सी फिर से वैसे ही घबरा जाती है, अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है। यह लियो कहता है, जानते हैं नैन्सी, सबके लिए खुशी का मतलब अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए, हर कोई मुझे बुक करता है वो सब करने के लिए नहीं, कोई मुझे बुक करता है कि मैं उसके साथ बैठूं, थोड़ा बातें करूं, थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। कोई ऐसा भी होता है जिसे मैं पसंद हूं, वो बार बार मुझे बुक करते हैं। कभी कभी ऐसा भी इंसान होता है जो बस मुझे बुक करते हैं इसी कारण से कि मैं उनके साथ गंदी गंदी बातें कर सकूं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिसे मेरी कंपनी अच्छी लगती है, मेरा साथ उन्हें अच्छा लगता है, पर मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। यह नैन्सी का मूड चेंज हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस भी हो जाती है और वो लियो के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नैन्सी ने फिर से लियो को बुक किया है और इस बार नैन्सी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ही कॉन्फिडेंसली सब कुछ कर रही है। यह नैन्सी लियो के साथ खुश तो है, उसकी कंपनी उसे अच्छी लगती है, वो सब करना भी अच्छा लगता है, पर अभी तक नैन्सी की ऑर्गज्म नहीं हुई और लगभग 30 सालों से ऐसा ही है। अब यह नैन्सी लियो से बातें करने लगती है और वो लियो से पर्सनल सवाल पूछने लगती है, जैसे अगर उसके मदर फादर या उसके फैमिली मेंबर में किसी को भी ये पता चल गया लियो ये सब काम करता है तो उनको कैसा लगेगा, उन्हें कैसा फील होगा। अब नैन्सी ये भी समझ गई थी लियो का असली नाम लियो ग्रांडे नहीं है, ये तो बस एक फेक नाम है। तो उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी और बार बार लियो से पर्सनल सवाल पूछ रही थी। लियो बार बार मना भी करता है ऐसा मत करो, लेकिन नैन्सी नहीं समझ रही थी, वो बार बार ऐसी कड़ी जा रही थी जिससे लियो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ लियो ड्रेस पहनने लगता है और जाने की तैयारी करता है। यहाँ नैन्सी उसे रुकने को बोलता है। लियो उसे गुस्से से कहता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, आपको खुश करने आया हूँ, आपके जवाब देने नहीं। मेरा काम आपको खुश करना था, मैंने कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ, और कभी भी हिम्मत जुटा के मुझे बुक मत करना, मैं नहीं आऊंगा। ये सब सुन के नैन्सी को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी, वो दुखी हो रही थी। अब यहाँ लियो गुस्सा दिखा के रूम से बाहर चला जाता है और नैन्सी हद से ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर दरवाजा नॉक होता है, लियो आता है और नैन्सी कहता है, मुझसे बात मत करना, मैं बस मेरा फोन लेने आया हूँ। अब वो फोन को ढूंढने के बहाने चीजों को तोड़ने लगता है, चीजों को फेंकने लगता है और गुस्सा दिखाने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है, मैं मेरी फैमिली के लिए मर चुका हूँ, मेरा भाई जो अभी आर्मी में है उसे कुछ भी नहीं पता, और मेरी माँ के लिए तो मैं मर चुका हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अकेला कर दिया था, मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे अबैंडन कर दिया था, मैं मेरी माँ के लिए बस एक निराशा हूँ, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं देखा और देखा तो मुझे कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मुझे छोड़ दिया जब मैं बस 15 साल का था। इसके बाद लियो अपना फोन ढूंढता है और नैन्सी से कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें तुम्हारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और मैं जाना चाहता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। अब यहाँ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो हद से ज्यादा दुखी हो गई थी और उसे फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगती है। अब यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और हम नैन्सी को देखते हैं वही होटल के कैफे एरिया में नैन्सी बैठी हुई है, वो किसी का इंतजार कर रही है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं लियो आता है। नैन्सी कहती है, थैंक यू आने के लिए, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे माफ
करोगे तुम आओ के मेरे लिए। लियो कहता है मुझे भी नहीं लगा था मैं आऊंगा पर मैं आया। नैन्सी कहती है लास्ट मीटिंग में हम दोनों में जो हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा सॉरी हूँ, दिल से माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे, और मैंने बस तुम्हें बुक इसलिए किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता था, मैं देखना चाहता था तुम कैसे हो, क्या तुम हैप्पी हो। लियो मेरी इंटायर लाइफ में मैंने जो खुशी के पल नहीं बिताए, जो अच्छे पल नहीं बिताए, तुमसे कुछ दिन अटैच होके मैंने वो सब कुछ पा लिया, मैंने वो खुशी, वो जीने की चाह, वो फास्ट लाइफ, वो थ्रिल लाइफ सब कुछ महसूस किया। यह लियो भी कहता है मैं भी बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, मैंने हिम्मत जुटा के अपने भाई को कह दिया मेरे काम के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसे ना ही हमारे रिश्ते में दरार आया है, और मेरे भाई ने कहा मेरी माँ कभी भी मुझसे बात नहीं करेंगी क्योंकि उसने जो देखा था इसलिए। अब लियो बताता है क्यों उसकी माँ उसे इतना ज्यादा हेट करती है। लियो बताता है जब लियो 15 साल का था उसकी माँ वैकेशन के लिए कहीं बाहर गई हुई थी, तभी लियो का एग्जाम भी खत्म हुआ था, और लियो अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाता है, पार्टी करता है, ड्रग्स लेता है, ड्रिंक लेता है। लियो और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा नशे में थे, वो सभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी उसकी मदर लौट आती है, और उसकी मदर ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, उन्हें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट फील हो रही थी, और उस दिन उन्होंने लियो को घर से निकाल दिया और सबको कह दिया उनका बेटा लियो मर चुका है और वो कभी भी लियो से मिलना नहीं चाहते। इसके बाद नैन्सी और लियो रूम में जाते हैं, दोनों कोई स्ट्रेंजर की तरह या कस्टमर और क्लाइंट की तरह बिहेव नहीं करते, स्वीट कपल की तरह दोनों प्यार करने लगते हैं, दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ नैन्सी को इस सफर में बहुत ही ज्यादा मजा तो आता है पर उसे ऑर्गेज्म फील नहीं होती। लियो सेकंड राउंड के लिए रेडी हो रहा था, लियो को नैन्सी बिना कपड़ों के देख उसके शरीर में हलचल मचने लगती है, और जिस चीज के लिए नैन्सी 30 सालों से तड़प रही थी, वो सेटिस्फेक्शन जो उसे तलाश थी, लियो को इस हाल में देख के उसके शरीर में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, वो तड़पने लगती है और अपने हाथों से वो कट डालती है और फिर उसे ऑर्गेज्म फील होती है, जिससे नैन्सी को हद से ज्यादा खुशी होती है, उसे चरम सुख मिलती है। इसके बाद लियो और नैन्सी दोनों एक दूसरे को आखिरी बार के लिए गुड बाय बोलते हैं। यहाँ नैन्सी कहती है शायद इसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, ये सुन के लियो हंसते हुए चला जाता है। इसके बाद नैन्सी मिरर के पास खुद को देखती है और लियो ने जैसे कहा था खुद की सुंदरता को देखने के लिए नैन्सी वो चीज खोज लेती है। अब नैन्सी को खुद में वो सुंदरता दिखने लगती है और नैन्सी इसमें खुश है, और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।